हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले हैं जरा बताएंगे। इंडियन आर्मी सिग्मा रूल, भगत सिंह सिग्मा रूल। यार भगत सिंह का बहुत नाम सुना हुआ है मैंने भी सुना हुआ कोई, मतलब कि ये भी फ्रीडम फाइटर में से कोई होंगे, है ना। कमेंट करके बताना। चले वीडियो देखते हैं। सिग्मा रूल इंडियन आर्मी के साथ है तो ये भी आर्मी में ही होंगे, है ना। चले वीडियो देखते हैं। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो उधर भी देख लेना, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। हियर वी गो। ओके फाइट, आर यू रेडी टू ब्लास्ट? नो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आज हमारे पास है दो टॉपिक जिन पे हम बात करेंगे। एक है इंडियन आर्मी सिग्मा रूल और दूसरा है हमारे शहीद भगत सिंह के बारे में। पहले बात करेंगे हमारे शहीद भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह वो थे जिनसे पूरी की पूरी अंग्रेज सरकार डरती थी। शहीद भगत सिंह ने शादी नहीं की, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी देश की आजादी पर और देश पे निछावर कर दी। अब मैं आप सबको भगत सिंह जी की कुछ झलक दिखाना चाहता हूँ। ये थे हमारे शहीद भगत सिंह जिन्होंने आजादी का सपना देखा और आजादी का सपना पूरा हुआ, मगर उन्हें क्या पता था आजादी के इतने साल के बाद भी हम हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन पे बहुत बोला जाता है भाई आप हिंदू हो, भाई आप मुसलमान हो, मैं इंडियन मुस्लिम हूँ, और मुझे ये बोलते हुए बहुत फख्र महसूस होता है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में इंसानियत खत्म हो रही है। अगर तुम्हें नहीं दिख रहा तो तुम अंधे हो। तो हिंदू मुस्लिम छोड़ो, सब भाई भाई है। जो अच्छा दिखता है उसे अप्रिशिएट करो और जो गलत दिखता है उसके खिलाफ आवाज उठाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे, इंडियन आर्मी सिग्मा रूल। कांस्टेबल जाकिर हुसैन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। 13 सितंबर 2018 को 10:55 पर धीरती गांव के एक मकान में तीन विदेशी आतंकवादी होने की विशिष्ट सूचना प्राप्त होते ही सीआरपीएफ की एक छोटी टीम उस स्थान की ओर निकल पड़ी जिसमें कांस्टेबल जाकिर हुसैन एक सदस्य के रूप में थे। एक सच्चे सैनिक और युद्धक साथी की तरह कांस्टेबल जाकिर हुसैन ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने कमांडर के साथ आतंकवादियों का सामना किया। उन्होंने सर्वोच्च परम्परा को बनाए रखते हुए अनुकरणीय वीरता का प्रदर्शन किया। कांस्टेबल जाकिर हुसैन। यार ये बैच मिलता है ना आर्मी में, बहुत ही पकड़ता हूँ काम होता है। ऐसी है हमारी इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी को मेरी तरफ से बहुत सारा रिस्पेक्ट सलूट। जिन लोगों को ये नहीं पसंद कि मैं मुस्लिम होकर इंडियन आर्मी के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, मैं उनको बोलना चाहता हूँ आप मेरी वीडियो ओपन ही मत करो। हर डिस्क्रिप्शन में टाइटल में आप इंडियन आर्मी सिग्मा रूल देखते हो तो आपको वीडियोस ओपन करने की कोई जरूरत नहीं। गलत कमेंट इंडियन आर्मी को कभी मत करना। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल। बस यार आज की वीडियो कर देते हैं यहीं पे खत्म। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अच्छी बात करके लड़ना नहीं चाहिए। लड़ना नहीं चाहिए मुझसे। यार इंडिया में ये भी होता है कि इंडियन मुस्लिम है तो उसको भी मतलब कि वो कहते होते क्या, मतलब कि सपोर्ट नहीं करते इंडियन आर्मी पे, वीडियो नहीं बनाओ, ये नहीं करो। ये क्यों ऐसा कमेंट करके बता। हाँ उनका देश है तो भले वो मुस्लिम है तो इंडियन आर्मी पे भी बनाएंगे ना। और आर्मी को तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए, भले इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, अमेरिका की हो, आर्मी को कोई कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो अपने देश के लिए लड़ती हैं और कुर्बान होती हैं। तो हर आर्मी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे की। तो डन है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।